press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello friends, कैसे हो आप लोग? हम आज बात करेंगे वेब होस्टिंग के बारे में, वेब होस्टिंग कैसे खरीदते हैं उसके बारे में। तो हम आज वेब होस्टिंग खरीद लेंगे बिगजॉक से। तो उसके बिगजॉक से वेब होस्टिंग लेने के लिए आपको पहले गूगल में चार्ज करना है बिगजॉक। चार्ज करने के बाद पहले ऑप्शन आएगा और उसमें 30% लेस और 99 रुपये मंथ की आप होस्टिंग ले सकते हैं। तो उसमें क्लिक कीजिए। उसमें क्लिक करने के बाद पहले आपको सिलेक्ट करना है कंट्री, जो इधर आपको सामने पहले ऊपर में है US और इंडिया। तो मैं इंडिया से हूँ, मैं इंडिया सिलेक्ट कर लिया। इंडिया सिलेक्ट करने के बाद इधर देखिए, स्टार्टर प्लान में आपको मिलेगा 149 रुपये में, और भी बहुत प्लान हैं। इधर आपको मिलेगा 239 और इधर मिलेगा 349 में बिजनेस प्लान, और इधर जो फ्रू प्लान है वो आपको मिलेगा 499 रुपये में। पहली बार वेबसाइट बना रहे हो, पहली बार होस्टिंग लेना चाहते हो, तो आपको स्टार्टर प्लान ही सही है। तो स्टार्टर प्लान लेने के लिए सिलेक्ट प्लान में क्लिक कीजिए। सिलेक्ट प्लान में क्लिक करने के बाद आपको इधर पूछेगा आपके पहले से कोई डोमेन है कि नहीं। तो मेरा पहले से डोमेन है, तो मैं इधर क्लिक कर लेता हूँ। और आपको पहले से डोमेन नहीं है, आप बिगजॉक से डोमेन लेने चाहते हो, तो आप नो में क्लिक कीजिए। मैं इसमें क्लिक करता हूँ। इसमें क्लिक करने के बाद इधर पूछ रहा है मेरा डोमेन नेम क्या है, तो मैं इधर डोमेन नेम टाइप कर लेता हूँ newstack.az। ये मेरा डोमेन नेम है, तो मैं डोमेन नेम इसमें चार्ज कंटिन्यू में क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग होगा। तो इधर देखिए मेरा डोमेन नेम इधर एक्सेप्ट हो गया, और 20 GB स्पीड, 100 GB ट्रांसफर, 5 अकाउंट। और इधर देखिए मेरा अमाउंट टैक्स लेकर 4,430 रुपये 66 पैसे आ रहा है। उसके बाद आपको जाना है नेक्स्ट में। नेक्स्ट में जाने के बाद इधर आपको देना है यूजर नेम और पासवर्ड। आप पहले से अकाउंट क्रिएट किया तो नया अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको क्रिएट अकाउंट में क्लिक करना है, और इधर आपको आपकी डिटेल्स टाइप करना है। मैं इधर मेरा डिटेल्स डाल देता हूँ। तो देखिए मैं सब कुछ इधर डिटेल्स भर दिया। अभी मैं क्रिएट अकाउंट में क्लिक कर देता हूँ। क्रिएट अकाउंट में क्लिक करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग होगा मेरा अकाउंट क्रिएट होने के लिए, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। अभी देखिए मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया, और अभी बोल रहे हैं पेमेंट देने के लिए। तो आप चाहे तो बहुत सारे ऑप्शन है, वॉलेट में दे सकते हो, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, भीम UPI दे सकते हैं। तो आप चाहे तो कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं इधर सिलेक्ट कर लेता हूँ पेटीएम। पेटीएम सिलेक्ट करने के बाद नीचे प्ले में आप क्लिक कीजिए। प्ले में क्लिक करने के बाद प्लीज़ वॉलेट ऑप्शन आ रहा है, थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है। लोडिंग होने के बाद इधर देखिए आपको कूपन कोड मांग रहा है, जो मेरे पास है नहीं। इधर मेरा सारा एड्रेस आ गया। अभी बिलिंग के लिए इसमें क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद मेरा बिलिंग एड्रेस भी आ गया, और मेरा पेटीएम वॉलेट का ऑप्शन भी इधर आ गया। तो जैसे कि मैं अभी आपको दिखाने के लिए ये वीडियो बनाया, मेरा पहले से होस्टिंग है, तो मैं होस्टिंग नहीं खरीदूँगा। अभी इधर आप मैं पेमेंट में क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, उसके बाद आपका होस्टिंग क्रिएट हो जाएगा। तो मेरा वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट में बताइए, और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरा वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और मेरा चैनल में आप पहली बार आए तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि मैं हर रोज़ ऐसा नया वीडियो लेके आता हूँ आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।